Hey guys, what's up? Hope you all are doing good. कैसे हो आप सब? आज हम करेंगे मेकअप, यानी कि आज के वीडियो की टॉपिक है वैलेंटाइंस डे स्पेशल मेकअप लुक। एंड आप देख सकते हो कि फेस पर मैंने एज यूजुअल मैंने फेस को क्लीन करके रखा है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैंने बस आईब्राउज बना के रखी है, ठीक है, क्योंकि हर एक ट्यूटोरियल में मैं आपको आईब्राउज सिखाती हूँ, तो इसलिए ये वाला ट्यूटोरियल में मैंने आईब्राउज पहले से बनवा के रखी है विथ मिस क्लेयर आईब्रो पेंसिल। और बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप नए हो तो, एंड उसके पास एक बेल आइकन है, ज़रूर प्रेस कीजिए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है। और पूरा वीडियो देख लो, पसंद आए तो डू लाइक कमेंट्स एंड शेयर। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एक मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मेरे पास है न्यूट्रोजिना का वाटर जेल मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स ऑफ पीपल एंड स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देती है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर अप्लाइंग प्राइमर। प्राइमर है मेरे पास फेसेस की प्राइमर, अच्छी प्रोडक्ट है, सिलिकॉन बेस्ड नहीं है, अफोर्डेबल में। अगर आप विदाउट सिलिकॉन कुछ भी यू नो ट्राई करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर दिस वन। फॉर बेस मेकअप विल नॉट अप्लाई एनी फाउंडेशन। आज हम फाउंडेशन अप्लाई नहीं करेंगे, आई अप्लाई अ बीबी क्रीम। सो दिस इज़ अ कोरियन बीबी क्रीम, मिशा। मिशा ब्रांड बहुत अच्छी ब्रांड है एंड बहुत यू नो नेचुरल सी ग्लो देती है स्किन पर। माई शेड इज वॉर्म बेज नंबर 25, यहाँ पर यस। बिफोर अप्लीकेशन यू हैव टू वार्म अप द प्रोडक्ट। इसको आपको स्किन के हिसाब से, यानी कि स्किन टेम्परेचर के हिसाब से इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, जस्ट विथ फिंगर टिप्स इसको ऐसे ही ब्लेंड करना है। इससे क्या होगा, आपकी फाउंडेशन या बीबी क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है एंड अच्छे से अप्लाई हो जाती है। मैं आपको क्लोजअप दिखाना चाहूँगी, जस्ट सी वन पंप में कितना अच्छा कवरेज मिल जाती है, वो भी बीबी क्रीम के साथ। और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप जब इसको ब्लेंड करते हो, बिल्कुल ऐसी ही अच्छी वाली कवरेज मिलती है। आप हैंड से यानी कि फिंगर टिप्स के साथ ब्लेंड करोगे तो थोड़ा कम कवरेज दिखती है। अभी थोड़े से इम्परफेक्शंस जो है फेस पर उसको हाइड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कंसीलर बाय मेबलिन फिट मी एंड शेड इज 20। तो हमारा बेस मेकअप इज़ डन, अभी हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। फेस को सेट करने के लिए आई यूज़ अ कॉम्पैक्ट पाउडर बाई शम्बोर, बहुत अच्छी वाली प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो शेड है वो थोड़ी सी लाइट है मेरे स्किन टोन के हिसाब से, बट आफ्टर मेकअप आई कैन मैनेज। ओके, सो माई शेड इज़ RR2, ठीक है। कॉन्ट्रोलिंग की बारी है, यानी कि ब्रॉन्जअप की बारी है। फॉर दैट आई एम यूजिंग है बटर ब्रॉन्जर बाई फिजिशियंस फॉर्मूला, अच्छी प्रोडक्ट है एंड ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, थोड़ा बहुत ब्रॉन्जअप तो बनता है। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग हेयर के ब्यूटी ब्लश, शुगर कैंडी इज द शेड एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लश। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मैटिफाइंग ब्लश है, देखो शेड भी काफ़ी प्यारा है।
आई शेडो के लिए मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। इनमें से मैं ये पिंक पीच ये सारी शेड्स यूज़ करूँगी एंड द शेडो पैलेट नेम नॉट नेम एक्चुअली नंबर इज 06। सो अभी मैं यूज़ करूँगी के ब्यूटी की एक आई शेडो स्टिक। दिस इज़ अ मेटेलिक आई शेडो स्टिक। शेड नेम इज ब्लश्ड मूनलाइट। अभी सेम पैलेट में से ये जो डार्क शेड है, डार्क चॉकलेटी ब्राउन, ये ब्लैक नहीं है, डार्क चॉकलेटी ब्राउन शेड को हम एक फ्लैट ब्रश के साथ लेंगे और इसको हम थोड़ा सा यू नो लैश लाइन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करेंगे। अभी इस लुक में थोड़ी सी जान लाने के लिए मैं यूज़ करूँगी एक कलर्ड आई पेंसिल। दिस इज़ बाय सेफोरा। टील कलर में है, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप लैक्मे का भी यूज़ कर सकते हो। लैक्मे में भी अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं। स्विस ब्यूटी में भी अच्छे अच्छे कलर्स अवेलेबल है, ठीक है। मस्कारे के लिए मैंने यूज़ किया है माई ग्लैम का मस्कारा। ये भी मैंने ऑफ कैमरा यूज़ किया है। हाइलाइटर अप्लाई करेंगे, उसके लिए मेरे पास है शुगर की हाइलाइटर, शैम्पेन चैम्पियन। कलर अच्छी है, यूनिवर्सल शेड है। अगेन लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है नायका की लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड सोल सिस्टर। एक ब्यूटीफुल सा पिंकी न्यूट कलर है। अभी बारी है फेक लैशेस वेयर करने की। ये आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये अप्लाई करेंगे तो लुक फुलफिल हो जाती है। सो येस गाइज, दैट वॉज फॉर टुडे एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने कोई भी सेटिंग स्प्रे अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि हर वक्त सेटिंग स्प्रे अप्लाई करना मैंडेटरी है ऐसा नहीं है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लुक एंड दिस इज़ वेरी क्लीन लुक, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि हमारा चैनल और भी जल्दी से ग्रो करने लगे। सी यू सून गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, and happy Valentine's Day to everybody. Bye-bye.